जिस प्रकार से मैंने आपको केमिस्ट्री का सॉरी फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था कल की क्लास में, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन चेक कर रहे हैं। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो हमारी केमिस्ट्री है ये मुख्यतः तीन धाराओं में डिवाइडेड है। एक पार्ट जो है इसका उसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, एक पार्ट जो है इसका उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, और एक पार्ट जो है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो हमारा पहला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री वो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है जहां पर आप चीजों को इस प्रकार से पढ़ेंगे ना, जो कुछ प्रोसेसेस, जैसे सपोज करिए कोई रेडॉक्स रिएक्शन है, या कोई रिएक्शन की इक्विलिब्रियम हो रही है, या फिर आप अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप और देखें, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, जो फिजिकल वर्ल्ड से एसोसिएटेड चीजें हैं जिसको आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, उस प्रकार की चीजें हम फिजिकल केमिस्ट्री में चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट है दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कौन सा पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये वो वाला पार्ट है जिसके अंदर हम लोग मुख्यतः जो मिनरल्स और सॉल्ट्स, या मैं बोलूं जो जमीन से मिलने वाली चीजें हैं, उनके बारे में या उनसे एसोसिएटेड सारी पढ़ाई पढ़ते हैं। इनका जो मुख्य सोर्स रहता है वो रहता है अपना अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर से कोई चीज अगर हम लेकर आ रहे हैं तो वो जो पर्टिकुलर पढ़ाई हम पढ़ेंगे उसको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और इसके अंदर की ही सारी चीजें, वो एसिड बेसिस सॉल्ट और सारा कुछ इसके अंदर ही आता है। एंड द लास्ट पार्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कुल मिला के आपकी जो केमिस्ट्री है वो मुख्यतः तीन पार्ट में डिवाइडेड है। अब इसको तो हमें पढ़ना 2 साल के अंतराल में है, तो ये पूरा 2 साल में पढ़ना है। ये ध्यान रखिएगा यहां पर कि अभी जो मैं लिखवा रहा हूं इस साल का सिलेबस अलग है, फिर इसी प्रकार से आप 12th में जाएंगे तो 12th में भी ऐसे लिखवाएंगे, पर ये दोनों ना कंटिन्यूएशन में है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये फिजिकल इतना रुक गया फिर अगले साल नया फिजिकल आएगा, ऐसा नहीं। ये एक लाइन से है, मान लीजिए यहाँ पे आपने 5-6 चैप्टर पढ़ा है, फिर उसके बाद से 7-8-9-10 उधर है, यहाँ पे मान लीजिए आपने पहला 5 चैप्टर पढ़ा है तो फिर उधर 3-4 चैप्टर उधर है, यहाँ पे मान लीजिए आप 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो बाकी का 8-9-10 चैप्टर उधर है। तो अगले साल मुख्यतः ज्यादातर हमारा फोकस क्या होता है, 12th में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और इस साल का ज्यादा फोकस हमारा किस पे रहता है, फिजिकल केमिस्ट्री पे रहता है। यानी क्लास 11th में ज्यादातर चैप्टर आपके कौन से मिलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के। अगले साल ज्यादातर चैप्टर आपके किसके मिलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ये मिक्स्ड है, इस साल भी थोड़ा थोड़ा दिया हुआ, अगले साल भी थोड़ा थोड़ा दिया हुआ। तो इस साल हमारा ज्यादा ज्यादा फोकस होगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अभी लिखिएगा मत, हम लिखवाएंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर ये एक्चुअली कोई चैप्टर नहीं है, ये तो एक तरीके से हम लोग ये समझ रहे हैं कि क्या क्या केमिस्ट्री के अंदर चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। जैसे याद करिए जब बचपन में आप इंग्लिश पढ़ना सीख रहे थे तो आपने सीखा होगा ना कि कैसे ए लिखते हैं। मुझे अभी इसलिए पता है क्योंकि आजकल मेरा बेटा भी यही सब काम कर रहा है, तो उसको टीचर ना कुछ इस प्रकार का ऐसे डॉट बना देती है और उसके बाद कहती है कि ये डॉट से इस डॉट मिलाओ, इस डॉट से इस डॉट, फिर इसको ऐसे मिलाओ, फिर इसको ऐसे मिलाओ, फिर इसको ऐसे मिला देना, तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने बचपन में ए लिखना इस तरह से सीखा था, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, अभी तक जितना भी कुछ आप पढ़े, मतलब जो कुछ भी आप पढ़े, कहां से, अभी क्लास 5-6-7 से शायद केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, वहां से लेकर 10th तक में जो कुछ भी आप पढ़े उसको आपको फिर से एक बार क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा और उसको थोड़ा सा ब्रश करना होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी के अंदर कुछ नया या भारी जैसा कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ एक मूल कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे, कई सारे डेफिनेशन है, कंसंट्रेशन टर्म्स है, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलती है। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर आपको इसी पर्टिकुलर हेडिंग पे पढ़ना है, यानी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। काफी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम एटम का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे तो
तो हम फिर उसके आगे की पढ़ाई कैसे पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जानकारी आपको पहले से है। आपको याद करिए, आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा हुआ है, आपने वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, बोर्स मॉडल, मुझे लगता है शायद बोर तक आप लोग पढ़े थे, वो बोर्स ऑर्बिटल और वो सारा कुछ आप पढ़े, तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम तक की पूरी जानकारी है, एटलीस्ट यू नो समथिंग। तो ये वाला, ये पहला दो चैप्टर जो है, ये थोड़ा थोड़ा आपको पता रहता है। देन थर्ड जो हमारा चैप्टर है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स पीरियोडिसिटी। अब ये चैप्टर भी ना आप पढ़े हुए, ये चैप्टर भी आप पढ़े हुए, बताइए कौन सा चैप्टर है ये? पीरियोडिक टेबल वाला, जहां पे आपने पढ़ा था ट्रेंड कैसे ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो वहां पे सिर्फ एक लाइन में आपने पढ़ा था कि ऐसे ट्रेंड इधर जा रहा है उधर जा रहा है, साइज का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। फिर यहाँ पर हम लोग काफी थोड़ा लॉजिक के साथ सेम चीज को और एलाबोरेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे, और बहुत यहाँ पे आपने ये भी सीखा होगा कि किस प्रकार से हम लोग किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, वो चाहे 281 वो या 21281281, इस प्रकार से आपने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, पर यहाँ पर जाके हम एक नया कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। देन अगला जो चैप्टर आता है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जैसा कि हमें पता है कि कुल मिलाकर कितने स्टेट हैं, तीन स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। इस साल सिर्फ और सिर्फ आप क्या पढ़ेंगे, गैसियस स्टेट पढ़ेंगे। इस साल जो स्टेट आप पढ़ना है वो कौन सा स्टेट है, सिर्फ गैसियस स्टेट। अगले साल जो आपका पहला चैप्टर होगा वही होगा सॉलिड स्टेट, यानी 12th क्लास का पहला चैप्टर क्या होगा, सॉलिड स्टेट, और फिर दूसरा चैप्टर होता है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस लिक्विड स्टेट। तो कुल मिलाकर अपने को तीन स्टेट पढ़ने हैं, उसमें से सिर्फ एक ही स्टेट हम लोग कहां पढ़ते हैं, इस साल पढ़ते हैं, दो स्टेट आपको क्लास 12th में पढ़ाया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई कहना 11th 12th अलग-अलग है, अलग नहीं है, इसका कंटिन्यूएशन है, यानी ये दो साल कंबाइंड पढ़ाई है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये 11th नहीं पढ़ा सिर्फ 12th पढ़ रहे हैं, हो ही नहीं सकता। अब एक हमारे इसी पर्टिकुलर चैप्टर से आपको समझ में आ रहा है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर तीन प्रकार के, जैसे एक इस साल पढ़ना, दो अगले साल पढ़ना, तो एक लगातार हुआ या अलग अलग हुआ, एक लगातार है ना, आप 11th 12th को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसीलिए आप चाहे कोई भी नीट की परीक्षा दें, आप IIT की परीक्षा दें, सिलेबस क्या होता है, खाली 11th 12th सिलेबस होता है, क्योंकि ये दोनों मिलाकर ही पूरा, तो पूरे पढ़ाई को क्या किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो इस प्रकार से स्टेट्स ऑफ मैटर आपका अगला टॉपिक है। फिर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के नीचे पढ़ेंगे, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम जो आपका चैप्टर है वो आपको ये बताएगा कि रिएक्शन हो रही है, ये तो आप जानते हैं कि रिएक्शन कोई भी XYZ रिएक्शन होती है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है। आपने पढ़ा हुआ है केमिकल चेंज का डेफिनेशन, आपने पढ़ा था बचपन में, क्या पढ़े थे केमिकल चेंज का डेफिनेशन, केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जो इरिवर्सिबल होता है, फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जो रिवर्सिबल होता है, पर कई सारे केमिकल रिएक्शन भी क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, कई सारे केमिकल रिएक्शन भी क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो जहां पर रिवर्सिबिलिटी है वहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम नामक चैप्टर आ जाता है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है। फिर अगला जो चैप्टर है वो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। कल की क्लास में मुझे याद आ रहा है मैंने आपको फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स लिखा था, तो यहां पर ये आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मतलब थर्मोडायनेमिक्स तो वही है, थ्योरी में कोई अंतर नहीं है, क्या मैं लॉ को चेंज कर सकता हूं, जैसे मैंने वहां लिखवाया था कि विल रीड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहां भी पढ़ेंगे, विल रीड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां भी पढ़ेंगे, विल रीड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां भी पढ़ेंगे। लॉ तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लॉ का एप्लीकेशन दैट कैन बी मैनिपुलेटेड और दैट कैन बी रेड इन टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। एक अगर आप मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, और फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। तो ये आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है। इसके नीचे एक चैप्टर लास्ट जो इस साल आपको इसमें पढ़ना है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज रेडॉक्स
रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक एक केमिकल, फर्स्ट चैप्टर जो 10th में आपने पढ़ा था या फिर आईसीएसई स्टूडेंट होगा तो वो 9th में एक पढ़ता है केमिकल रिएक्शन वाला जो पार्ट है उसके अंदर हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन लिखवाया था, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन व्हेन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, तो दिस सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिडॉक्स रिएक्शन जो वहां पर आपने एक डेफिनेशन पढ़ा था वो यहां पर आपको एक पूरे चैप्टर के रूप में पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपको ये 7 चैप्टर कहां पढ़ने हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। और अगले साल शायद 6, तो 7 और 6 आपका हो गया 13, तो 13 चैप्टर आपको टोटल फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। अगले साल 5 है, इस साल 7 है। अब आइए आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आपका पहला पार्ट है दैट इज फर्स्ट चैप्टर जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भी एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोग क्लास 9th में या 10th में पढ़े। केमिकल बॉन्डिंग, हाउ बॉन्ड्स आर मेड, बॉन्ड क्यों बनाता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ये सारी चीजें। और वहां पर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि केमिकल बॉन्डिंग इसलिए होता है क्योंकि वो स्टेबिलिटी होता है और ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। पर इस साल वो बहुत सारी लगभग 7 या 8 थ्योरीज पढ़ेंगे। सबसे जो पहले आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा था वो पढ़ेंगे और पहले ही पढ़ते उसको कहेंगे कि ये क्या था, गलत था। और उसके बाद फिर लगभग 7-8 थ्योरी आई, उसके बाद वाली थ्योरी फिर वो गलत हुई, फिर BACPR आई वो भी पार्शियली करेक्ट हुई, फिर ऐसे आते 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 फिर MOT तक आए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को भी आगे चल के जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आया तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तक अभी फिलहाल हम लोग जानते हैं, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तक हमें पढ़ना है। और वो 7 या 8 थ्योरीज हैं इसके अंदर जो सारी हमें पढ़नी है। आप अभी सबसे पहले वाले का मतलब ये इंट्रोडक्शन सिर्फ आप पढ़े हैं कि ऑक्टेट रूल होता है जो स्टेबिलिटी, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्या है वो एक पढ़ना है, और वो भी पार्शियली गलत है, बिल्कुल 100% कोई चीज गलत होती, आधा गलत है आधा सही है। देन हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ना है। पूरा का पूरा एक चैप्टर है सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर। तो आप एक एलिमेंट जानते हैं ना हाइड्रोजन, जो लिथियम के ठीक ऊपर सिचुएटेड है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 1, उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है हमारा ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। फिर जो आपका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। खैर जब हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना थर्ड वाला क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी, वहां पे इनका थोड़ा और ज्यादा मैं आपको आइडिया दूंगा कि हाइड्रोजन को अलग से क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन में ना दोनों प्रॉपर्टी होती है, आपको मैंने ये बताया होगा, वो H+ आयन भी बना सकता है और हाइड्राइड आयन H- आयन भी बना सकता है, तो वो हाइड्रोनियम आयन भी बनता है और हाइड्राइड आयन भी बनता है। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन जो है इसको हम लोग ये वो हो गया ना बीच बीच का हो गया 50% वाला, तो 50% वाला है तो इसको हमें अलग से डील करना होगा। फिर एस ब्लॉक एलिमेंट माने फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप, वो लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला और बेरिलियम मैग्नीशियम वो, तो ये दोनों आपके इसको अल्कलाई अल्कली मेटल और अल्कलाई अर्थ मेटल बोलते हैं। नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर मेरे ख्याल से शायद 2 सीरीज आपको पढ़नी है 13 और 14, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही पढ़ना है 13th ग्रुप एंड 14th ग्रुप, आपको सिर्फ 2 ही इसके अंदर पढ़ना है 13th, 14th ग्रुप। जबकि देखा जाए तो पी ब्लॉक में कितने हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, उसमें से इस साल कितना पढ़ना है सिर्फ 13 और 14, फिर अगले साल क्या पढ़ेंगे 15, 16, 17, 18, तो अभी आप पढ़ेंगे बोरोन फैमिली एंड कार्बन फैमिली, ये बोरोन फैमिली है और ये कार्बन फैमिली है। फिर 15 नंबर आता है नाइट्रोजन फैमिली, फिर 16 नंबर आता है ऑक्सीजन फैमिली, फिर 17 नंबर आता है क्लोरीन फैमिली या फिर हैलोजन्स, और 18 नंबर आता है इनर्ट गैस। तो इस साल आपको सिर्फ 2 ही पढ़ना है, ठीक है। अब इसका मतलब इसके बाद वाला अगले साल पढ़ेंगे क्या कंटिन्यूएशन में या अलग अलग है, कंटिन्यूएशन में ऑब्वियसली इस साल आप 2 पढ़ रहे, फिर अगले साल आप और बाकी 4 पढ़ेंगे। तो इतना आपको मेरे ख्याल से फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आप आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर है। पहला चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल्स
यानी जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको जीओसी के नाम से ज्यादातर जाना जाता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जो जनरल आइडिया आपके पास होना चाहिए कि रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो कितने प्रकार से फॉर्म करते हैं, इसके नोमेनक्लेचर यानी आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है, उसके बाद कुछ इफेक्ट दिखाते हैं केमिकल कंपाउंड्स, जैसे रेजोनेंस एज इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट है, और भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, कई सारे इफेक्ट जो है वो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलते हैं। तो ये आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें ये देखना है। और जो सेकंड चैप्टर है दैट इज हाइड्रोकार्बन, ये जो चैप्टर है दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, इसके अंदर हमें तीन पार्ट पढ़ना होता है, एक है एल्केन, दूसरा है एल्कीन और तीसरा है एल्काइन। तो कुल मिलाकर हमें इतना इस साल पढ़ना है, जिसमें आप देख रहे होंगे क्लियरली कि ज्यादा से ज्यादा जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, फिजिकल केमिस्ट्री का है, उससे थोड़ा कम किसका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और सबसे कम किसका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगले साल जब आप इसी को देखेंगे तो शायद यहाँ पर 5 चैप्टर होगा, यहाँ पर वैसे ही 4-5 चैप्टर, और यहाँ पर लगभग 7-8 चैप्टर है। तो कुल मिला के अगले साल आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस साल ज्यादातर फोकस आपका किस पे होगा, फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिर केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोजन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आधा से ज्यादा हम लोग यही कवर कर लिए होंगे ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, और जो बचेगा उसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा। और लास्ट पार्ट यानी लगभग नवंबर के आसपास में हम लोग ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर हाइड्रोकार्बन जिसको एल्केन एल्कीन एल्काइन बोलते हैं, ये हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। तो कुल मिला के एक आइडिया आपके दिमाग में आ गया होगा कि इस साल हमें क्या क्या पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आप लिखना स्टार्ट करिए, एक सबसे पहले ऊपर लिखिए केमिस्ट्री, राइट केमिस्ट्री। उस केमिस्ट्री के अंदर आप पहला पार्ट क्या लिखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट सब हेडिंग क्या डालेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री डालेंगे, राइट फिजिकल केमिस्ट्री। उस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर लिखिए चैप्टर नंबर वन, उस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर यू राइट चैप्टर नंबर वन। चैप्टर नंबर वन लिखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर पहला लिखें इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, फर्स्ट सब हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, देन नेचर ऑफ मैटर, देन मोल कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ मैटर, देन मोल कॉन्सेप्ट MOLE मोल कॉन्सेप्ट, देन केमिकल रिएक्शंस एंड स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड स्टाइक्योमेट्रिक STOICHIOMETRY, साइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो ये आप फर्स्ट चैप्टर में इतना आपको पढ़ना है, ये पार्ट। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही आप आगे का जो पूरा एंटायर 2 साल का जर्नी है वो आपको ट्रैवल करना है। तो मोल कॉन्सेप्ट काफी एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, और जो स्टाइकियोमेट्रिक वाली बात उसने कही है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखिए चैप्टर नंबर टू दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर नंबर टू क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप उसके नीचे लिख लें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर राइट डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटॉमिक मॉडल्स, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल मतलब आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा वो वाटरमेलन मॉडल था, फिर प्लम पुडिंग मॉडल था जिसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, फिर भोर ने अपना एक मॉडल दिया, फिर रदरफोर्ड ने अपना एक मॉडल दिया, फिर जे जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया। ये तमाम जितने भी आपको मॉडल्स हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट वेव नेचर, वेव नेचर,
कॉमा ब्लैक बॉडी रेडिएशन वेव नेचर कॉमा ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर कॉमा ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वो एरा है जहां पर आपके बोहर मॉडल को क्या किया जाएगा, रद्द किया जाएगा कि ये बोहर मॉडल जो आपने पढ़ा है वो क्या है, गलत है, या मैं बोलूं शायद पार्शियली करेक्ट है। और वेव थ्योरी क्या है, वेव नेचर, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन तीनों कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हम ये प्रूफ करेंगे कि जो बोहर मॉडल है उसमें जो आधी चीजें बताई गई है वो थोड़ी सी गड़बड़ है, और फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये सब आएगा, और फिर आपको पता चलेगा कि अब जो मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं वो ज्यादा सही है। अगला लिखे उसके नीचे बोहर मॉडल, उसके नीचे लिखिए बोहर मॉडल, उसके नीचे लिखिए हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एच ई आई एस ई एन बी ई आर जी एपोस्ट्रोफी एस हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल बना। देन राइट क्वांटम मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो अभी जो एग्जिस्टिंग मॉडल हमारे पास है उसका नाम क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसको श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से बनाया गया है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। नेक्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल, अब हम लोग एटम के अंदर ऑर्बिटल्स की जो कहानी थी जो बोर ने बताया था उसको ढंग तरीके से विद द हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल, जहां पे श्रोडिंगर लाप्लास इक्वेशन और ये सारी चीजों को यूज करके हम उसको डिराइव करेंगे, क्लास के अंदर ही करेंगे, तो वो हमें पढ़ना है। तो लिखिएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये सब एक साथ ही लिख सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। थर्ड चैप्टर के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले टॉपिक जो आपको पढ़ना है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिखिएगा पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ब्रैकेट में लिखिए पीरियोडिक टेबल। तो आप पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल इवॉल्व हुआ, आपको याद होगा थोड़ा बहुत तो कि डोबरनियर ने अपना एक टेबल बताया, फिर देयर वाज अ साइंटिस्ट जो उसे थोड़े अच्छे हुए तो लवैसियर ने अपना दिया, फिर और आगे बढ़े तो फिर मोसले ने अपना दिया, ऐसे करके कई सारी टेबल्स बनाए गए और उसके बेसिस पर हमने पढ़ाई किया। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर एंड रिलेशन बिटवीन, रिलेशनशिप क्या बोला, नोमेनक्लेचर एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड पीरियोडिक टेबल, नोमेनक्लेचर एंड रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियोडिक टेबल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने अलग से पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मेल बैठाया गया, मेल बैठाया गया मतलब दोनों को कोरिलेट किया गया, वो वाला पार्ट भी हमें पढ़ना है। देन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, देन लास्ट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, याद होगा आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसकी मेटालिक वो क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उसके नॉन मेटालिक कलेक्टर कैसे होंगे, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ये सब कुछ चीजें आपको क्लास 10th के लेवल पर या मैं बोलूं 9th के लेवल का आपको ध्यान होगा। ये सब यहां पे स्टैटिक पे चालू करें, हां बिल्कुल बिल्कुल, ये यहां जो आप पढ़िएगा आपको बस नाम पता है, यू नो दी नेम, मैं तो बस ये बता रहा हूं कि आपको नाम ये सब सुना हुआ है, यहां जो पढ़ेंगे वो अलग है, बस यहाँ पे आपको ये है कि मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस इस बात का है कि एटलीस्ट यू नो द नेम इन दिस केस। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें आपको नाम भी नहीं पता है कि ये है क्या, तो वहां मेरे को थोड़ा ज्यादा मेहनत लगता है, पर जहां पर एटलीस्ट यू नो द नेम कि हाँ यार ये तो सुना है, वहां पे थोड़ा सा मुझे ना आपकी तरह आपका जो चेहरा है उसको देख के थोड़ा सा आस डेवलप होता है कि एटलीस्ट दे नो द नेम,
आपकी चेहरे को देख के आशा भी नहीं जनरेट कर सकता। फिर मेरा एकमात्र एम होगा कि आपको बिल्कुल नर्सरी क्लास से 12th तक लाना होगा उस पर्टिकुलर चैप्टर में। लेकिन एटलीस्ट जहां पर आप नाम जानते हैं, नाम सुने हुए, वहां पे थोड़ा मुझे मेहनत कम करना पड़ता है कि ये बोला हाँ ऐसा आपने सुना था ना, तो आप उस टाइम पे जब हाँ बोलते हैं तो लगता है हाँ यार चलो कुछ तो जानते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, नेक्स्ट चैप्टर लिखिए स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर इसके अंदर तीन ही पार्ट है। पहला गैसीय स्टेट, जिसके अंदर हमको सब कुछ पढ़ना है पूरे गैस के बारे में, दुनिया में जितनी भी गैसेस हैं सारे गैसेस के बारे में हमें थ्योरी में पढ़नी है, किस प्रकार से गैसेस क्या 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 सब कुछ। देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सेकंड पॉइंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये ही सेम टॉपिक मैंने आप याद करिए, आपको कल फिजिक्स में भी लिखवाया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब देखिए वहां पे पूरा चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और यहाँ पे एक टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर भी यहां मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का फिजिक्स से कोई खास लेना देना नहीं है। वो जस्ट इसलिए बीच में डाला गया क्योंकि कुछ रैंडमनेस आ रहा था उसके ठीक पहले वाले चैप्टर की वजह से। रैंडमनेस कैसे आ रहा था, क्योंकि ठीक उसके पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो जहां कहीं आप थर्म दीजिएगा तो उसमें रैंडमनेस आएगा, और रैंडमनेस आएगा तो उस रैंडमनेस के लिए मेरे को वहां पे केटीजी पढ़ना पड़ा, यानी केटीएम नहीं केटीजी। केटीजी मींस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वो इस चैप्टर में यानी केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पहले पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि वहां पे वो 13th या 14th चैप्टर है, यहां पे ये तीसरा या चौथा चैप्टर है। तो यहां पर मैं आपको केटीजी पहले पढ़ाऊंगा, तो यहीं पर मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ा दूंगा, सो दैट कि आप जब वहां पर पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होगा, यानी समझिए एक तरीके का रिवीजन हो रहा होगा। तो केटीजी यहां ही ज्यादा अच्छा से पढ़ेंगे। केटीजी के बाद लिखिए बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, मैंने इसके बारे में भी आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि गैसेस जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आइडियल गैस, एक होता है रियल गैस। जैसे मैंने कहा था कि आइडियल स्टूडेंट होता है एक रियल स्टूडेंट होता है, वैसे ही आइडियल गैस होता है रियल गैस। तो आइडियल गैस जो मेरी कल्पना है कि एक गैस ऐसा होना चाहिए, रियल गैस कुछ उससे अलग होता होगा, उनके बीच का जो वेरिएशन है उसको भी हमें ध्यान देना है कि आखिर कितने से बदल गया हमारी कल्पना से और जो सच्चाई है उसमें कितना का डिफरेंस आया। एंड द लास्ट पार्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड इस साल पढ़ते हैं, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड अगले साल पढ़ेंगे। तो अब लिक्विड दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इस साल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, अगले साल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, जिसके अंदर सॉल्यूशन वॉल्यूशन सारा कुछ आता है। तो अभी आप देखिए लिक्विड दो पार्ट में, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर तीन पार्ट, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड स्टेट अगले साल, गैसियस स्टेट इस साल, लिक्विड स्टेट का फिजिकल पार्ट इधर, केमिकल पार्ट नेक्स्ट ईयर। समझ में आ रहा है कैसे डिवाइड हुआ है? तो अब ये एक साल का तो सिलेबस नहीं हो सकता ना, ये तो हमेशा दो साल का सिलेबस होगा, इधर आधा पढ़ा है और आधा उधर पढ़ा है, इसलिए ये एक साथ ऐसे बनाया गया। नेक्स्ट चैप्टर लिखें, नेक्स्ट चैप्टर लिखें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट चैप्टर लिखें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, राइट, नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एक्चुअली होना पहले यही चाहिए था कि पहले हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के बाद रेडॉक्स, सीक्वेंस यही होना चाहिए। मेरे से लिखने में गलती हो गई, पहले थर्मोडायनेमिक्स तब इक्विलिब्रियम तब रेडॉक्स। क्यों? पहले हम ये जानेंगे ना कि रिएक्शन कब होती है, थर्मोडायनेमिक्स मींस कब रिएक्शन होगी, होगी तो वो आगे की ओर जाएगी या पीछे की ओर जाएगी। आगे पीछे अगर जा रही होगी तो इक्विलिब्रियम आएगा, पहले होगी तब ना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, तो पहले तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होगा। ये जब पढ़ लेंगे तब उसको इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेंगे। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने का स्पेशल एक रिएक्शन है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये ब्रॉडर टर्म, उसे थोड़ा और कम ब्रॉडर, और फिर ये सबसे लास्ट में डाइवर्ज होता है ना। तो लिखिए थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर लिखें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लिखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। एंथैल्पी माने होता है एनर्जी। केमिस्ट्री में एनर्जी को एक दूसरे वर्ड से बोलते हैं, उसका नाम क्या है? एंथैल्पी। तो आप ऐसे मत सोचिएगा एंथैल्पी कुछ नया है, ऐसा नहीं है।
एनर्जी वर्ड को फिजिक्स में एनर्जी बोलते हैं और केमिस्ट्री में उसी को एंथैल्पी बोलते हैं, तो सिर्फ एक कन्वेंशन। और लास्ट लिखिए एंट्रोपी, एंट्रोपी ENTROPY एंट्रोपी, स्पॉन्टिनिटी कॉमा स्पॉन्टिनिटी SPONTANEITY स्पॉन्टिनिटी, एंड गिब्स फ्री एनर्जी GIBB गिब्स फ्री एनर्जी GIBB गिब्स फ्री एनर्जी। तो कुल मिलाके इतना आपको पढ़ना, और लास्ट में एक और लिख लिए हेस लॉ, लास्ट में एक और लिखिए हेस लॉ भी आपको पढ़ना है, यू नीड टू रीड अबाउट हेस लॉ, HESS हेस लॉ, हेस लॉ, डन। तो कुल मिलाके ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है यहां पे आप ये जानेंगे कि कोई रिएक्शन कब होती है। दुनिया में सारी रिएक्शन तो नहीं हो रही ना, आप कभी ऐसा देख रहे हैं कि H2+O2 वाटर बन रहा है, पर कभी ऐसा देखा वाटर खुद ही को डिसोसिएट करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में, नहीं हो रहा है। तो ये जो नहीं हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है, और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम आप जो भी लिखें, केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि इक्विलिब्रियम क्या, इक्विलिब्रियम जान जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम क्या। लिखिए केमिकल इक्विलिब्रिया, पहला जो इसके अंदर टॉपिक है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रिया, EQUILIBRIA केमिकल इक्विलिब्रिया, केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट आयनिक इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट आयनिक इक्विलिब्रियम। अब केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम तो पढ़ लिया, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर आयंस फॉर्मेशन होता है। इसी चैप्टर के अंदर हमें एसिड बेसिस सॉल्ट भी पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर हमारा एसिड बेसिस पूरा सॉल्ट जो पूरा पार्ट है वो आ जाएगा, तो वो फिर से आपको एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ाऊंगा एक नए तरीके से। तो आयनिक इक्विलिब्रियम एंड द लास्ट पार्ट इज सॉल्ट हाइड्रोलिस, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। यानी किसी भी एसिड बेस रिएक्शन में आप पढ़ते होंगे एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट में जब पानी मिलाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस हुआ। तो वो अलग से पढ़ना है, जो प्रोडक्ट आया उसका क्या, उसके साथ क्या क्या हो सकता है, वो भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, और फिर सॉल्युबिलिटी वगैरह सारा कुछ पढ़ना है। लास्ट लिखिए चैप्टर का नाम लिखे रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, यानी रेडॉक्स रिएक्शन का इंट्रोडक्शन टू रेडॉक्स रिएक्शन। फिर आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर, फिर आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में अभी आपको कुछ नहीं पता। हाँ, पर आप इतना जानते हैं कि जैसे कहीं लिखा है कोबाल्ट 3+, तो ये जो 3+ है इसको पहले आप वैलेंसी बोलते थे, अब वैलेंसी से बढ़कर थोड़ा ज्यादा, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो अब आप थोड़ा और बड़े, आप बड़े भी तो हो रहे ना, तो वैलेंसी से थोड़ा और आगे जाएंगे हम लोग, और अब आप देखेंगे कि वैलेंसी वाज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द चार्ज जो इसके ऊपर होता था, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे कई प्रकार के नंबर अभी आपको आगे चल के देखने हैं। देन नेक्स्ट इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, और यहीं से 5 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में आएगा कि आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करके दिखाना है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन और रेडॉक्स का अलग अलग बैलेंसिंग होता है। तो एक नॉर्मल रिएक्शन का बैलेंसिंग हीट एंड ट्रायल मेथड से किया जाता है, रेडॉक्स का बैलेंसिंग हीट एंड ट्रायल से आप नहीं कर सकते, तो उसके लिए अलग से मेथड पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन वो है पूरा एक इलेक्ट्रॉन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, पूरा एक मेथड है, बकायदा 3-4 मेथड आपको पढ़ना है। एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के कहां कहां पे एप्लीकेशन आते हैं, उसके अंदर जो एप्लीकेशंस आपको पढ़ना है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लिख लीजिएगा रेडॉक्स रिएक्शन के नीचे जो एप्लीकेशन होगा ब्रैकेट में लिखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, एज अ एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अगले साल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक चैप्टर हो क्या है 12th में, यू विल रीड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी जो मैं क्लास 12th में पढ़ा रहा हूं
अभी मैं तीसरे चैप्टर में हूँ केमिस्ट्री के, जिसका नाम ही है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। तो उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बैटरी, वो सारा कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दिया जाता है ताकि आप अगले साल जब पढ़ें तो वो थोड़ा सा मैच हो जाए। नेक्स्ट, आपका फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया, अब आप हेडिंग डालें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप हेडिंग डालें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको कुल मिलाकर ये चार चैप्टर पढ़ने हैं, जिसके अंदर जो आपका पहला चैप्टर था वो क्या था, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपको बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी है, जैसे पहला लिखिए इंट्रोडक्शन टू बॉन्डिंग, क्या आपको ये समझ में आना है कई सारी थ्योरीज, वो थ्योरी किस बेसिस पर आई, ऑक्टेट रूल जो स्टेबिलिटी का आया वो किस बेसिस पर आया, तो पहले ये सब चीजें आपको जाननी है। फिर आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, भाई बॉन्डिंग है तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, उसको भी डिटेल में पढ़ना है। तो नेक्स्ट लिखिए आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही फिर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फिर डाइपोल इंटरैक्शन, ये सारा हम इसके अंदर ही पढ़ा देंगे। फिर रेजोनेंस एंड VSEPR थ्योरी, रेजोनेंस एंड VSEPR थ्योरी, कैपिटल में लिखेगा रेजोनेंस एंड VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी बोलते हैं इसको, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, ये होता है VSEPR थ्योरी। फिर आप लिखिए VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT ब्रैकेट में लिखिएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर नेक्स्ट लिखिए हाइब्रिडाइजेशन, नाम सुने हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिड, हाइब्रिड ब्रीड बनाना, हाँ हाइब्रिड वर्ड माने उन दो चीजें मिलके हाइब्रिड होती है, ये तो हमें पता है, हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में भी आता है, पढ़ेंगे उसके बारे में। देन राइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, कैपिटल M, कैपिटल O, कैपिटल T, ब्रैकेट में लिखेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और लास्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लास्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कुल मिला के आपको MOT तक इस साल पढ़ना है, फिर अगले साल आपको मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा, CFT बोलते हैं उसको, तो वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप अगले साल पढ़ेंगे CFT। तो कुल मिलाकर ये वाला चैप्टर भी यहां पर समाप्त हो गया। अब आप हेडिंग डालें हाइड्रोजन, नाउ यू राइट द हेडिंग एज हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इन तीनों ही चैप्टर में आपको फैमिलीज के बारे में पढ़ना है, तो हाइड्रोजन तो अलग हो गया, पर यहां पर जब आप आएंगे तो वो लिथियम, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो सोडियम है। सोडियम क्या बहुत सारे चीज देखते हैं, क्लास 10th में भी आपने सोडियम का पढ़ा होगा, NaOH, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ये सब कुछ पढ़े थे, आपको ध्यान आया होगा। सिमिलरली जब हम लोग सेकेंड ग्रुप में आएंगे तो बेरिलियम के उतने ज्यादा प्रोडक्ट हम नहीं देखते, फिर मैग्नीशियम के थोड़े बहुत देखते हैं और फिर कैल्शियम के बहुत सारे प्रोडक्ट देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, वो ब्लीचिंग पाउडर CaCl2, कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको। तो इस कोई भी चैप्टर या फिर आप बोरोन आइए तो बोरोन में एक तो बोरोन के प्रोडक्ट होंगे और बोरोन के ठीक नीचे होता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट बस इसमें दो ही देखना है, कार्बन के अंदर कार्बन और सिलिकॉन, तो ऊपर वाले दो दो जो एलिमेंट है उसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो कुल मिलाकर हाइड्रोजन हो या एस ब्लॉक हो या पी ब्लॉक हो, इसके अंदर जो ऊपर के दो दो मेटल हैं उसी के बारे में हमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, और उसके बारे में क्या क्या डिटेल में पढ़ना है, भाई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, उसकी यूजेस पढ़नी है, किसी भी केमिस्ट्री के चैप्टर में यही पढ़ना होता है, खास करके जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे होते हैं, भाई कैसे बनेगा, ऐसा नहीं पहले हम उसे पहचानते कैसे हैं, तो उसका वो जो ऑकरेंस ना क्या बोलते हैं, दैट ऑकरेंस दिखने में कैसा है, स्मेल कैसा है, ये पहले बढ़ते हैं, उसका बॉन्ड कैसा है, किस तरह से प्रेजेंट रहता है, वो सब पहले बढ़ते, फिर उसको बनाते कैसे हैं, एक बार बन गया तो फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी और फाइनली उसका यूज कहाँ यूज में आएगा। ये किसी भी चैप्टर में ये पांच ही चीज आपको पढ़ना होता है, इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन, फिर प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, फिर यूजेस, ये कुल पांच ही हेडिंग हैं जिसके अंदर आपको ये पढ़ना है। तो आप पहला लिखिए हाइड्रोजन, उसके अंदर लिखिए प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कॉमा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन कॉमा फिजिकल एंड
केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसके अंदर हमें दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ने हैं। सेकंड पॉइंट लिखिए वाटर, H2O, हाइड्रोजन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड वाटर है, H2O, और उसके नीचे लिखिए H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। यानी एक तो हमें हाइड्रोजन पढ़ना है, तो हाइड्रोजन में वो पांच टॉपिक ऑकरेंस, जिसको इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, फिर उसके प्रिपरेशन, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिर यूजेस। यूजेस जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर ही आएगा कुछ स्पेशल कंपाउंड। स्पेशल कंपाउंड के अंदर एक तो पढ़ना है हमें वाटर और दूसरा पढ़ना है हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहां समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखे एस ब्लॉक, नेक्स्ट लिखे एस ब्लॉक। ये इसलिए मैं लिखवा देता हूं स्टार्टिंग में, ताकि आपको ना एक आइडिया आज जनरेट हो जाए मैं साल भर हमें क्या क्या पढ़ना है। जब हमें थोड़ा बहुत पता होता है ना कि हमें साल भर क्या क्या पढ़ना है, तो पढ़ने का इंटरेस्ट जागता है कि हम ये अच्छा इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आगे चल के मेरे को ये पढ़ना है, आगे चल के मेरे को ये सीखना है। अगर ये मेरे को पता नहीं, पूरा ब्लैंक है, आप बुक पलटने आपको खुद नहीं मालूम कि यार आगे चल के क्या होने वाला है, आप डिपेंडेंट नहीं कि टीचर जब चैप्टर स्टार्ट करेगा तब मेरे को पता चलेगा, तो फिर आपके मन में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, पता नहीं आगे क्या और क्या है और क्या है। आज आप जान गए तो आपके मन में एक आइडिया लग गया, हाँ यार चलो ये चीजें हमें इस साल पढ़नी है, ये चीजें हमें अगले साल पढ़नी है। इससे क्या होता है कि आपका भी क्लैरिटी हुआ, और मैं इसलिए बता देता हूं ताकि मुझे भी एक बार याद हो जाए, क्योंकि 11th क्लास अब एक साल पहले पढ़ाए थे, तो अब इस साल देख रहा मेरे को भी ध्यान आ जाए कि यार कौन कौन से चैप्टर है और किस चैप्टर में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाना है, तो मेरा भी एक तरीके से रिविजन हो रहा है। एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर दो ही चैप्टर पढ़ने, दो ही पार्ट है, एक अल्कली मेटल एंड देयर कंपाउंड्स, यानी पहला वाला अल्कली मेटल किसको बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को, अल्कली मेटल एंड देयर कंपाउंड, और दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड देयर कंपाउंड, अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड देयर कंपाउंड, अल्कली मेटल एंड देयर कंपाउंड और अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड देयर कंपाउंड। तो अल्कली मेटल के अंदर जो इंपॉर्टेंट मेटल है वो कौन सा होगा, सोडियम, है ना, और अल्कलाइन अर्थ मेटल में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होगा कैल्शियम। हमें सोडियम और कैल्शियम के ही ज्यादातर प्रोडक्ट्स, मतलब ज्यादातर जो कंपाउंड्स है वो देखने हैं। तो ये आपका एस ब्लॉक खत्म हो गया, हेडिंग डालें, यानी चैप्टर का नाम लिखें, पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक में क्या आएगा, पी ब्लॉक में आपको पढ़ना है बोरोन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। तो पहला फर्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे आप, इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, फर्स्ट हेडिंग आपका यही होगा, इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट केमिस्ट्री ऑफ बोरोन फैमिली, केमिस्ट्री ऑफ बोरोन फैमिली, आप बोरोन फैमिली के बारे में पूरा पूरा पढ़ते हैं, एंड देन केमिस्ट्री ऑफ, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन फैमिली, नेक्स्ट पार्ट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन फैमिली। तो कुल मिला के ये सारा भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या हेडिंग डालना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपके थर्ड पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बारे में आपको लिखना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो जीओसी आता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो चैप्टर पहला लिख लीजिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, क्योंकि पहले नाम लिखना जानेंगे, उससे पहले जानेंगे कि फिर भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस प्रकार से विभाजित हुए, फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आइसोमरिज्म का। तो सेकंड पॉइंट लिखे आइसोमरिज्म, सेकंड पॉइंट लिखे आइसोमरिज्म, आप आइसोमरिज्म लिखिएगा। फिर आप पढ़ेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म भी जानने हैं, और कुछ आपको इफेक्ट्स भी पढ़ना है, इफेक्ट्स मतलब वो सब अच्छा क्या, वो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ही आ जाएगा। चलिए चैप्टर बदलिए, लास्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन, लास्ट चैप्टर लिखिए हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन जो है वो बेसिकली सिर्फ तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो लिखिए पहला हेडिंग डालिएगा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के अंदर फर्स्ट सब पॉइंट डालिएगा
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नीचे ब्रैकेट में या बगल में अगर जगह है तो वहां पे आप लिख लीजिए एल्केन्स की पढ़ाई यहां हम करते हैं, ठीक है। फिर आप लिखें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकेंड पार्ट में आप लिखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप क्या लिखेंगे, एल्कीन एंड एल्काइन, ये हम लोग वहां पढ़ते हैं। और तीसरा पार्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, थर्ड पार्ट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, थर्ड पार्ट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये मैं आपको अगले जब हम लोग ये पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा। एक और चैप्टर है, पता नहीं आप लोगों के सिलेबस में है कि डिलीट हो गया, मुझे पता नहीं, लास्ट दो साल से उसको डिलीट किया गया है, लास्ट दो साल से वो वाला चैप्टर कंसिडर नहीं किया जा रहा है। चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जहां पे आप पढ़ते हैं वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोफ्यूल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें आप वहां पढ़ते हैं। मतलब वो नहीं है ना पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है, जो फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी आप टेंथ में मैंने कभी पढ़ाया नहीं होगा वाला चैप्टर, तो वो वाला जो चैप्टर ना वो ऐसा है कि यहाँ पर भी है, पर लास्ट दो साल से हम लोग देख नहीं रहे। इसके अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, गैसियस पॉल्यूटेंट्स क्या कहलाते हैं, किस प्रकार से आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजों को सब वो पढ़े ना, वो सब सारी चीजें, वो सारी चीजें इस चैप्टर में है, लेकिन पिछले दो साल से ये वाला चैप्टर आपको नहीं आ रहा है सिलेबस में, इसलिए मैं लिखवा भी नहीं रहा हूं। अगर बाई चांस आ भी जाएगा तो भी मैं नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि वो चैप्टर हम पढ़ाते नहीं, या वो गैसियस पॉल्यूटेंट्स क्या है वो आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि वो CO2 अगर रिलीज हो रहा है तो क्या क्या करके CO2 को कम कर देंगे और तमाम तरह की चीजें, तो वो सारी चीजें। इस तरह से आपको एक बेसिक आइडिया जरूर मिल गया होगा कि इस साल हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिकल में क्या पढ़ना है, केमिकल मतलब इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है और ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है। इतना लिख लेने के बाद मेरे ख्याल से पूरे साल भर का एक बेसिक आइडिया आपको हो गया है। इसके साथ आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में जहां पे हम लोग पहला चैप्टर दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट।